सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में आज की वीडियो हम फिर से जय भगवान भाई गाँव बल्डी करनाल से लेके आ रहे हैं, जिनके यहाँ पे रूटीन से HF और क्रॉस ब्रीड गाय मिलेंगे आपको, साहिवाल तकरीबन सभी ब्रीड्स की गाय और अच्छी अच्छी जो मुर्रा नस्ल की भैंसे जो रीजनेबल प्राइस पे, जो कि डेयरी फार्मिंग के मतलब से जो पशु खरीदना चाहते हैं उन पशुपालकों के लिए रूटीन से यहाँ पे पशु मिलते हैं। आज मैं सबसे पहले जय भगवान भाई से आपको मिलवाऊंगा। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब कितने पशु हैं आज? 10 बिके हुए हैं या बिक्री के? अच्छा, ये जो गाय है इनके बारे में बताएं। पहले नंबर पे जो ये गाय है, ये साहिवाल और जर्सी क्रॉस में कितना टाइम है अभी बच्चा देने में? बच्चा दे रखा है 8-10 दिन। ये बिकी हुई है बिक्री के लिए? बिक्री के लिए जी। और पहले बार में मतलब पिछली बार कितना दूध निकाल रखा है? 20 लीटर दिए जी। 20 लीटर तकरीबन क्या रेट होगा इसका? 65,000 रुपये। आगे जो HF की गाय है, ये वाली जाने वाली है, दूसरा भी रहेगी। अच्छा, कितना टाइम बाकी है अभी? अभी दे देगी 15 दिन जी। 15 दिन का टाइम बाकी है। ये बिकी हुई है अभी? ये भी बिक्री की है? नहीं, ये बिक्री के लिए। बिक्री के लिए अभी बढ़ेगी, ये नीचे है गाय बड़ी है। अच्छा, ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी की जो अर्डर क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन, जो बिल्कुल मुठिया आकार के जो थन, क्योंकि HF में सबसे बड़ी समस्या मिल्किंग की आती है, जो कि इस गाय में बिल्कुल मुठिया आकार के थन है, चुआई में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, मीडियम हाइट की ये गाय भी बिक्री के लिए। आगे ये वाली जब कौन भाई? ये कल भी आई है जी। अच्छा, दूसरे पे आती है जी, दूध देती है 32 लीटर जी। 32 लीटर तकरीबन पिछली बार में कितना दूध निकाल रखा है? पहली बार में 26-27 लीटर दूध पहली बार में भाई का कहना है कि निकाल रखा है, और इस बार भी अच्छे दूध की उम्मीद है। हाइट लेंथ इस गाय की काफी अच्छी है, ये देखिए कल ही इसने बच्चे को जन्म दिया है, साथ में बछड़ा है, बछड़ी बछड़ा है, साथ में मेल काफ है। और ये देखिए जो अडर की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि HF जिसमें सबसे बड़ी समस्या मिल्किंग की आती है, हर पशुपालक जो मशीन का बजट नहीं जुटा पाता वो पशुपालक इस टाइप की जो गाय है जो हाथ से चुवाई कर सकता है वो उनके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड है। तो वैसे शांत स्वभाव की होती है HF, ज़्यादातर शांति मिलेगी क्योंकि ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल जो सबसे ज़्यादा दुनिया की मानी गई है दूध के मामले, तीसरे बार की हाँ जी, 30 लीटर दूध है जी। अभी तैयार है, ये बच्चा है जी। 30 लीटर दूध है, साथ में ये बच्चा आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, और ये भी बिक्री के लिए। और इधर ये साहिवाल की भाई, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 7 महीने की प्रेग्नेंट साहिवाल की बछड़ी बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये सारी प्रेग्नेंट, ये सभी गाय प्रेग्नेंट है। आप इनकी डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप इनका जो मोबाइल नंबर है वो भी हम देंगे, साथ में एक मुर्रा हीफर जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। कटड़ी कितने दिन की होगी भाई? 7.5 महीने की प्रेग्नेंट, ये भी बिक्री के लिए। तकरीबन 2 वीडियो में आ चुकी है पहले, 2 वीडियो में पहले भी आ चुकी है। 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, और मान के चलिए 2.5 महीने के बाद में ये किसी भी पशुपालक के घर जाएगी, वहाँ पे जाके बच्चा दे देगी। साथ में ये जो भैंसे बिकी हुई है भाई, हाँ जी बिक रही है। ये भैंसे जो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं ये सभी बिकी हुई हैं, किस भाव की हैं भाई साहब अंदाजन? ये 90 लाख की। अच्छा, खरीदी है वो भाई यहीं पे हैं? ये रही। अच्छा, ये जो पशुपालक जिन्होंने खरीदी है वो यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कहाँ से आए हो? हम जी यहाँ से आए हरिद्वार से। हरिद्वार से कितने पशु लिए हैं? पशु तो 4 लिए। 4 तो जो आप यहाँ पे पशु खरीदे, आप रेट के मामले में बाहर भी घूम के देखे कैसा है जय भगवान भाई का रेट? बस भैया ने दिलवाए घूम के गांव से। अच्छा, बाहर से भी दिलवा दिए? एक अपने पास से सेलेक्ट कराइए। अच्छा, एक अपने फार्म से दिए, बाकी आपको बाहर से आम किसान के घर से दिलाइए। तो जो दूध बताया वो आपने माप के लिया है जी? फिलहाल हमने अभी नापा है, तो फिलहाल तो अभी 15-16। अच्छा, 15-16 लीटर के समथिंग है। एक भैंस में भाई साहब 18 लीटर बता रहे इसमें? अभी भैया कह रहे हैं कि अभी ताजी ब्याई हुई है। अच्छा, ताजी ब्याई हुई है, थोड़ा सा अभी दूध बढ़ाएगी है। हाँ, 1-2 लीटर की उम्मीद तो रहती है। हाँ, तो आप यहाँ से जो पशु इनके पास आपने लिया आप संतुष्ट है? इनका व्यवहार कैसा रहा? हाँ,
हाँ ठीक रहा, कोई ऐसी यहाँ पे आने के बाद रुकने में, खाने पीने की, घूमने की कोई समस्या? ना ना ठीक चलता रहा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं पड़ी। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ से हो आप? हरिद्वार से? हरिद्वार के पास में श्यामपुर कांगड़ी पड़ता है। अच्छा अच्छा, गाजियाबाद रोड। ठीक ठीक। तो ये जो कैमरे के सामने आप जो भैंसे देख पा रहे हैं, ये भाई ने खरीदी, इसमें तकरीबन 16 लीटर दूध भाई का कहना है तैयार है, 1-2 लीटर दूध की उम्मीद है, बाकी 18 लीटर दूध रेकमेंड किया है भाई ने, जय भगवान ने। रूटीन से इनके पास आपको HF के साथ साथ में और साहिवाल हरियाणा नस्ल की गाय भी बिक्री के लिए इनके पास मिल जाएंगी, क्योंकि आजकल जो इस टाइम में गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा दूध की प्रोडक्शन अगर कोई गाय कर सकती है तो वो HF है। ये सभी गाय कैमरे के सामने बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेगुलर जय भगवान भाई का जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है। रूटीन से इनका सेल परचेज का काम है, किसी भी टाइम कोई भी पशुपालक यहाँ पे आके विजिट कर सकता है और पशु खरीद सकता है। ये सभी पशु, ये जोटियाँ बिक के हरिद्वार के लिए जा रही हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी, और जिस हिसाब से प्राइस रेंज बताई है, और दूध अगर 15-15, 16-16 किलो दूध पे भी अगर ये रहती हैं तो भी काफ़ी जायज़ रेटों के पशु हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।